नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जारी पटना से बड़ी खबर, संवाददाता मिनहाज आलम के साथ। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सभी चुनाव हो जाएं तो महागठबंधन 40 में से 37 सीट पर जीत हासिल करेगी, वहीं पर 3 सीटों पर टक्कर रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि जनता मालिक होती है, हम इस पर कुछ नहीं बोले। थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। दुनिया में हम लोग जो है एक आम जनसभा जो है वो करेंगे। ठीक वही पूर्णिया में इस ग्राउंड में हुआ था, उसी ग्राउंड में जो है हम लोग जो है रैली जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का है आम सभा जो है वहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। महागठबंधन के सातों दल जो है मिलकर के ये सभा जो करेंगे, और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार के साथ जो बजट आए, बिहार का ठगने का इन लोगों ने काम किया, कुछ नहीं मिला बिहार को, ना विशेष राज का दर्जा, ना विशेष पैकेज, क्या बातें होती। तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार जिस प्रकार से केंद्र सरकार कर रही है, और इसको लेकर के वहाँ के जनता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम जो है संवाद जो है लोगों से हम लोग करेंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे कि किस प्रकार से भाजपा के आने से संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, किस प्रकार से समाजवादी विचारधारा पर ये अटैक कर रहे हैं, किस हिसाब से ये रीजनल पार्टीज़ जो है जो क्षेत्रीय दल हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी जितनी मशीनरी है उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है वहाँ जनता के सामने, आम आवाम के सामने अपनी बात को जो है रखेंगे कि किस प्रकार से जो गंगा जमुना तहजीब है उसको जो है धर्म के नाम पर ये खेल करना चाहते हैं, सारी पिंडियों को जो है हम लोग जो है रखने का। उस दिन अमित शाह भी रहेंगे पटना में, उसी दिन अमित शाह पटना में रहेंगे, उसी दिन अमित शाह के लिए आ रहे। तो भाई कहीं भी कोई जा ही ना सकता है, कोई रोक टोक है। अब हम तो आपको कई बार बोल रहे हैं, आप लोग मेरी बात को यकीन में माने ना माने ये आपकी मर्जी, लेकिन एक इंटरनल सर्वे कराया गया था एक बड़ी एजेंसी के द्वारा भाजपा के लोगों ने, उसमें ये दिखाया गया कि आज के डेट में अगर चुनाव होता है, आज की डेट में अगर चुनाव होता है पार्लियामेंट का, तो 40 में से 37 सीटें जो हैं महागठबंधन को मिलेंगी, और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, यानी 3 सीटों पर भाजपा को विजय नहीं बता रहे, उन तीनों सीटों पर भी कड़ा मुकाबला जो है बता रहे। तो भाई डर तो असल में 24 का है ना, और आप समझ लीजिए जब हम लोग पूर्व में जब विधानसभा का चुनाव लड़े तो केवल फर्क 12,000 वोटों का ही था, अब तो मुख्यमंत्री जी और जनता दल यूनाइटेड और हम पार्टी हमारे साथ हैं, महागठबंधन में है, तो अब तो वोटिंग परसेंटेज देखें या गुनाह करें या आप लोग नंबर्स को मानते हो, फिगर्स को मानते हो, तो कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। एक सीट जीतना भाजपा को जो है मुश्किल हो जाएगी, तो उसलिए डर है, बेचैनी है, उसलिए अपने सारे मशीनरी, उसलिए धर्म की राजनीति, उसलिए जात की राजनीति, उसलिए ये सारा काम जो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि चिंतित है 24 को। सर आपके चेहरे पर कहने का उपेंद्र कुशवाहा को असहमति है, नीतीश कुमार ने कह दिया था कि आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप एक बात समझिए, जनता लोकतंत्र में मालिक जनता है, लोकतंत्र में मालिक जनता है, ढकेलो ना, हमारा कोई बैर उपेंद्र कुशवाहा जी से नहीं, हमारी कोई दुश्मनी है ही नहीं, वो हमारे साथ आए थे, हमने उनका स्वागत किया था, उनका सम्मान किया था, तो हमारा बैर तो है नहीं, वो छोड़ा
अब उनकी क्या राय है, सबकी अपनी राय हो सकती है, लोग अपनी राय को बोलते रहे, लेकिन हमें क्योंकि हमें पता है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ।